तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं यार कि पहले हमें जो स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन 15,000 से 18,000 रुपये की प्राइस पर देखने को मिलते थे, आज वही सेम स्पेसिफिकेशंस हमें सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर देखने को मिलती है। और गाइज अगर आपका बजट यहां पर सिर्फ 10,000 रुपये है और दोस्तों आप चाहते हैं यार ये ज़बरदस्त स्मार्टफोन 10,000 के बजट में, तो यार एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ 3 ऐसे ज़बरदस्त पावरफुल स्मार्टफोन जहाँ पर आपको डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज भी ये स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा कमाल के हैं। दोस्तों अगर आपको एक अच्छा डिजाइन वाला भी स्मार्टफोन चाहिए तो यार वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज हिंदी। तो चलिए दोस्तों इस लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 3 से। और दोस्तों नंबर 3 पर है यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन यार यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिज़ाइन की यार, तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी ऑसम सा फ़ोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गाइज ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 9,500 में, लेकिन दोस्तों इसकी जो प्राइस थी पहले थी 9,000 रुपये, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 9,500 रुपये कर दिया गया है, जहाँ पर आपको मिलती है 4 GB रैम, 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज जिसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256 GB तक। गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.78 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले। तो दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैमरा की यार, तो बैक में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 कैमरा सेंसर, जहाँ पर आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा 16 MP का। और गाइस सेल्फी की बात करूँ यार, तो यहाँ पर आपको 8 MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ इमेज क्वालिटी की यार, तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 5200 mAh की बड़ी बैटरी। तो दोस्तों 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और गाइस बात करिए यार परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर। तो गाइस ऑसम परफॉर्मेंस मिलेगी आपको यहाँ पर, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों अगर आप हैवी वर्क भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यार परफॉर्मेंस वाइज कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। गाइस सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको यार फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रैम और स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी दी गई है। और दोस्तों डिज़ाइन और इसी के साथ में यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस अगर आप इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो एक बार जरूर से इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों अगला फोन है रेडमी की तरफ से Redmi 9 Prime। गाइस बात करो यार खास फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको USB Type-C की पोर्ट मिल जाएगी, Full HD+ की डिस्प्ले है और साथ ही यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.5 इंच की Full HD+ की डिस्प्ले। और अगर कैमरा की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बैक में 4 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा 13 MP का। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है यार यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर बैटरी बैकअप की यार, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 5000 mAh की बैटरी, USB Type-C की पोर्ट और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर भी आपको यार 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करना चाहते हैं और आपका बजट यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको यार परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4 GB रैम, 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज। और गाइस अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इसे 512 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये फ़ोन मिल जाएगा 10,000 रुपये में। तो अगर आप यहाँ पर Poco M2 परचेस करना चाहते हैं तो वो स्मार्टफोन आपको मिलेगा 11,000 रुपये में, जहाँ पर आपको 6 GB रैम, 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी और सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर Redmi 9 Prime की तरह ही देखने को मिलेगी। तो चॉइस आपकी है यार, आप कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर परचेस करना चाहते हैं। दोस्तों अगला फोन है यहाँ पर यार Realme की तरफ से Realme Narzo 20। गाइस यहाँ पर यार आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर दिया गया है और सबसे अच्छी बात यार यहाँ पर आपको बैटरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले, जहाँ पर आपको ब्राइटनेस, कलर्स और विविंग एंगल दोस्तों काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे अगर हम कंपेयर करेंगे Redmi 9 Prime से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर यार कैमरा की, तो बैक में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर, जहाँ पर आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 MP का और 8 MP का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेल्फी सेंसर। और गाइज यहाँ पर भी आपको यार इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh
एमएएच की बहुत बड़ी बैटरी दी गई, जहां पर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी यूएसबी टाइप सी की पोर्ट। तो दोस्तों काफी अच्छा फोन है, यहां पर आपको यार बैकअप भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेस। फ्रेंड्स यहाँ पर भी यार आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कमाल की मिलने वाली है और साथ ही आपको यहाँ पर गेमिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4GB रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपांड कर पाएंगे 256GB तक। तो गाइज अगर आप रियलमी का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं और 10,500 रुपये आपके पास हैं, तो दोस्तों आप इस फोन को ज़रूर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों जिन्हें सैमसंग का ही स्मार्टफोन परचेस करना है उन्हें मैं बता दूं यार, सैमसंग M11 आपको देखने को मिलता है 10,000 रुपये में, जहां पर आपको 3GB रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, 6.4 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले दी गई है। गाइस बात करूं कैमरा की यार, तो बैक में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मेन सेंसर है 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहां पर सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर बैटरी बैकअप की, तो आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी और परफॉर्मेंस वाइज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर। तो दोस्तों डेली यूज के लिए काफी अच्छा फोन है, अगर आप एक सैमसंग का ही फोन परचेस करना चाहते हैं तो जरूर से आप इस फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से टॉप स्मार्टफोन की लिस्ट, उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। गाइस उम्मीद है यार आपको वीडियो भी पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।